कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने की संभावना और तीन और उप मुख्यमंत्रियों की मांग को लेकर चल रही बहस के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान जारी करने से बचने को कहा और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पार्टी के हित में पार्टीजनों से अपना मुंह बंद रखने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने संतों से राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध भी किया है। दरअसल राज्य के कुछ मंत्री वीरशैव, लिंगायत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। वर्तमान में डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री हैं, वो कलिंगा समुदाय से हैं। कांग्रेस के भीतर एक वर्ग का मानना है कि तीन और उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग संबंधी मंत्रियों के बयान सिद्धारमैया खेमे के खास लोगों की योजना का हिस्सा है और उसका मकसद शिवकुमार को काबू में रखना है। ऐसी चर्चा है कि शिवकुमार सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री पद की मांग कर सकते हैं। इसके बाद वीरशैव, लिंगायत, संत श्रीशैल, जगदगुरु चन्ना, सिद्धाराम, पंडिताराध्य स्वामी जी ने शुक्रवार को कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति में मुख्यमंत्री पद के लिए उनके समुदाय के मंत्रियों पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री पद की स्थिति में भी उन्हें प्राथमिकता दिए जाने की वकालत की। शिव कुमार ने कहा कि किसी उप मुख्यमंत्री पर कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही मुख्यमंत्री के बारे में कोई सवाल है। स्वामी वो कलिंगा संत ने मेरे प्रति स्नेह के कारण मेरे बारे में बात की होगी, बस इतना ही। मैं अनुरोध करता हूं, मुझे किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। हमने जो काम किया है उसके लिए हमारी पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कर्नाटक में सियासी लड़ाई का क्या हाल रहता है। क्या कुछ सियासी पंडितों का मानना है कि अगर कर्नाटक में तीन नए डिप्टी सीएम बनते हैं तो इसका साइड इफेक्ट सीधे डीके शिवकुमार के राजनीतिक कद पर पड़ेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में डीके का रोल कर्नाटक में कांग्रेस को जिताने में महत्वपूर्ण रहा था। वो खुद को सीएम फेस मानकर चल रहे थे, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद सीएम पद का ताज सिद्धारमैया के सर पर बंधा। ऐसे में अगर तीन नए डिप्टी सीएम बनते हैं तो इसका असर सीधा डीके शिवकुमार के राजनीतिक कद पर जाएगा, क्योंकि डीके शिवकुमार की गिनती दक्षिण भारत के दिग्गज कांग्रेस नेताओं में से होती है और तीन डिप्टी सीएम अगर बनते हैं तो ये डीके शिवकुमार की राजनीतिक रूप से हत्या करने जैसा होगा।